जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहे बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 10 विभूत योग श्लोक 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। ओम। गीताचार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके विभूत योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कहत बाड़न जे भक्त हमरा साथे हमेशा खातिर रहे के चाहत बाड़े और जे हमरा के अत्यंत प्रेम पूर्वक भक्त से पूजन बाड़े हम आपन मनचाह प्रेम से दिव्य ज्ञान प्रदान करत बाने। माने कि हम प्रेम से उ लोगन के हमरा बारे में बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान दे, हम ओ लोग के आपन स्पष्ट रूप देव ताकि उ लोग निसंदेह हमरा के प्राप्त कर सके। जैसे श्री कृष्ण परमात्मा एगो अद्भुत आश्वासन दे रहे हो खस कि उ अपना दिव्य ज्ञान और प्रेम से आपन रूप ओ लोग के दिए जे हमेशा उनका से एकजुट होके और लगातार प्रेम पूर्ण भक्त से उनकर पूजा करे खातिर तरस तारे। आई श्री कृष्ण परमात्मा के उपदेश के मनन करी, आई हमनी के मन श्री कृष्ण परमात्मा पर केंद्रित करी जा, प्रेम भक्ति से केवल श्री कृष्ण परमात्मा की पूजा करी जा, हमनी के हमेशा श्री कृष्ण परमात्मा के संगे एकजुट होके के इच्छा रखी जा। आई हमनी के श्री कृष्ण परमात्मा जौन दिव्य ज्ञान आ दिव्य दर्शन देवे होकर खातिर पात्रता अर्जित करे की कोशिश करी जा। ई सब करत घरी श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के ठीक ऐसे ही दोहरावे की कोशिश कही जाए जैसन उ श्लोक के रूप में वा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। श्रीमन्नारायणा करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग आ दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सब की कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू हमरा बहुत विश्वास वा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले,
कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गहलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित वा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन्नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। ॐ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम के अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम्बा, ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐश्करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।